मराठी हिट मुल्शी पैटर्न को रीमेक करके कैसे सलमान खान ने खेला है एक मास्टर स्ट्रोक। अंतिम फिल्म सलमान खान के लिए कैसे गेम चेंजर साबित हो सकती है और क्या आयुष शर्मा को इस फिल्म के साथ मिल गया है अपना ड्रीम रोल। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉलीक्रैश स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करें आज की ये वीडियो। अब देखिए, साल बदला, हालात बदले, लेकिन जो नहीं बदला है वो है बॉलीवुड का रीमेक रवैया। ऑलरेडी सक्सेसफुल रीजनल फिल्म्स को हिंदी में रीमेक करने का सिलसिला काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है, लेकिन अब बॉलीवुड हिट्स के लिए मेजरली इसी पे डिपेंड कर रहा है। इसी रीमेक कल्चर के चलते इस साल करीब 10 ऐसी बड़ी फिल्में हैं जिन्हें मेन स्ट्रीम एक्टर्स रीमेक करके क्विक प्रॉफिट एम कर रहे हैं। अब ये रीमेक गेम कितना सही है और कितना गलत, इस कॉन्वर्सेशन में अभी नहीं घुसते हैं। हमें मतलब है रीजनल स्टोरीज के गुड इम्प्लीमेंटेशन से, जिससे कम से कम ओरिजिनल फिल्म की सोल वैसी ही बनी रहे। ऐसी ही एक फिल्म है 2018 की मराठी फिल्म मुंशी पैटर्न, जिसका रीमेक अंतिम द फाइनल ट्रूथ ऑन द वे है। इस रीमेक से मॉनेटरी प्रॉफिट को साइड में रखकर आज बात करेंगे हम मेन कास्ट और क्रू के करियर में इसकी इम्पोर्टेंस की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे मेन एस्पेक्ट यानी स्टोरी से। 2018 हिट मुंशी पैटर्न एट हार्ट एक इम्पोर्टेंट कहानी बयां करती है। फिल्म पुणे के मुल्शी डिस्ट्रिक्ट के ऐसे फार्मर्स और लैंडलॉर्ड्स पर बेस्ड है जिन्होंने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के वक्त अपनी ज़मीनें काफ़ी लो रेट्स में बेच दी थी और धीरे धीरे थोड़े टाइम बाद वो खुद को गरीबी और क्राइम के गहरे दलदल में धंसता हुआ पाते हैं। ऐसी रियलिस्टिक और हार्ड हिटिंग प्लॉट से तो ये बात क्लियर हो जाती है कि फिल्म प्योरली कंटेंट ड्रिवन होने वाली है। सलमान खान ने फिल्म के राइट सही टाइम पे खरीद के मॉनिटरली प्रॉफिट तो पक्का कर ही लिया है, लेकिन अगर हमारे नज़रिए से देखो तो फिल्म एक तरह से एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि फ्यूचर में भी मालामाल करके जाएगी। एक एक्टर की इमेज ही उसका सबसे बड़ा एसेट होता है और ये इमेज बनती है कॉन्स्टेंटली गुड फिल्म्स चुन के। इसी फैक्टर को एक्सप्लेन करते हैं सलमान खान के करियर पर्सपेक्टिव से, तो भाई की तरफ से हमें दो सुपरहिट कैरेक्टर टाइप्स देखने को मिल गए हैं। एक राउडी एक्शन स्टार का जो कि फ्लॉन्ट करता है अपने सिक्स पैक एब्स और एक्शन स्किल्स, एग्जाम्पल के तौर पे चुलबुल पांडे और राधे, तो वही दूसरा कैरेक्टर है मोस्ट लवेबल कॉमन मैन का, जो हमें देखने को मिला था बजरंगी भाईजान में। इनमें से दूसरा टाइप का कैरेक्टर के साथ ऑडियंस ज़्यादा कनेक्ट कर पाती है और सलमान खान की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस भी इसे ही माना जाता है। तो चलिए अब आ जाते हैं अंतिम फिल्म में इनके कैरेक्टर पे। तो ये होने जा रहा है सेकंड कैरेक्टर की तरह, जो कि शर्टलेस एक्शन सीन से ज़्यादा प्योर एक्टिंग स्किल्स पर बेस्ड है। मुंशी पैटर्न में कॉप के रोल को मराठी एक्टर उपेंद्र लिमाई ने रियलिस्टिक तरीके से निभाया था और अब सलमान खान को भी ऐसा ही करना होगा। बेशक सलमान खान इसके कैपेबल है और ये कैरेक्टर करियर इस टाइम पे गेम चेंजिंग रोल भी साबित हो सकता है। तो वही बात अगर करें लीड एक्टर आयुष शर्मा की, तो उनके तो मानो दोनों हाथ ही घी में हैं। लव यात्री में लवर बॉय से स्ट्रेट एक रूथलेस गैंगस्टर का ट्रांसफॉर्मेशन देखने लायक होगा। ओरिजिनल कैरेक्टर को ओमकार ने इमोशनल एज वेल एज ब्रूटैलिटी के साथ निभाया था और अब आयुष को भी वही एनर्जी वापस लेकर आनी होगी। कैरेक्टर में काफ़ी सारी लेयर्स है जिससे अगर आयुष ने सही से निभा लिया तो इनका कैरेक्टर एक लंबी उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएगा। खैर, पोर्ट्रेयल चाहे जैसा भी हो, इस पावरफुल कैरेक्टर को निभाने का मौका मिल पाना ही काफ़ी बड़ा चांस है, जिसे देखकर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि आयुष शर्मा को एक करियर डिफाइनिंग रोल करियर के शुरुआत में ही मिल चुका है। तो चलिए आज की इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल बॉलीक्रैश स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हम जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ। आज के स्क्रिप्ट राइटर हैं पंकज। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।